बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्राहली सदरी वयस्सरली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर आब्दा अमीन हियर विद लेक्चर ऑफ फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट ईयर सेशन 2021। स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करना है बफर्स। बफर का टॉपिक आपकी बुक के पेज नंबर 24 एंड 25 पे है, तो देखते हैं हम पहले इसकी डेफिनेशन। बफर इज़ द कंपाउंड और मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स दैट रेजिस्ट टू चेंजिंग पीएच ऑफ एनी सोल्यूशन और स्लाइट एडिशन ऑफ एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन और कंपाउंड। बफर ऐसे कंपाउंड्स होते हैं या मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जो कि पीएच को चेंज होने से रोकते हैं। अगर उनमें कोई एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन का एडिशन हो तो पीएच को चेंज होने से ये रोक देते हैं या उसमें उसकी चेंजिंग में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो इसी तरह बफर सोल्यूशन क्या होगा? अ बफर सोल्यूशन इज़ वन विच मेंटेन इट्स पीएच फेयरली कांस्टेंट इवन अपॉन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस। कि एक बफर सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जो कि पीएच को मेंटेन रखता है इवन ऑन स्मॉल एडिशन ऑफ एसिड एंड बेस। अगर एसिड और बेस ऐड हो भी जाए, किसी सोल्यूशन में ऐड कर दिया जाए थोड़ी अमाउंट में, तो उसके जो पीएच को चेंज होना होता है उसको बफर चेंज नहीं होने देते, उसकी चेंज होने को उसको रोकते हैं या उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो बफर वो कंपाउंड्स होंगे जो कि पीएच को मेंटेन रखते हैं। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि बफर वो कंपाउंड्स होते हैं जो पीएच को मेंटेन रखते हैं, उसको चेंज नहीं होने देते इवन अगर उसमें एडिशन ऑफ एसिड और बेस भी हो जाए तो। टाइप्स ऑफ बफर्स हम देखते हैं। जनरली बफर आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के बफर्स होते हैं, एसिडिक बफर्स होते हैं और बेसिक बफर्स होते हैं। एसिडिक बफर्स क्या होते हैं? इन एसिडिक बफर इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स स्टार्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। एसिडिक बफर वो बफर होता है या बफर्स की वो टाइप है जो कि कम्बिनेशन है दो, इसमें एसिड भी होता है और इसमें बेस भी होती है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो होगी इसका जो उसका साल्ट बनेगा वो उसकी कॉन्जुगेट बेस कहलाएगी। तो एन एसिडिक बफर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स साल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। एसिडिक बफर वो बफर होता है, कम्बिनेशन है वीक एसिड का और इस एसिड का साल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो कि कॉन्जुगेट बेस होती है। ए वीक एसिड एंड साल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस के जो साथ वीक एसिड का साल्ट होता है वो कॉन्जुगेट बेस होती है। एग्जांपल्स क्या हैं? सी एच थ्री सी डबल ओ एच, सी एच थ्री सी डबल ओ एन ए, एस टू सी ओ थ्री और एन ए एच सी ओ थ्री, एच थ्री पी ओ फोर एन ए एच टू पी ओ फोर एंड लास्ट वन एच सी डबल ओ एच एच सी डबल ओ एन ए। ये देखें, हम बात कर रहे हैं कि कम्बिनेशन होता है तो इसी वजह से दो इसमें इसके पार्ट्स दिए हुए हैं कि एक एसिड है और दूसरा उसके साथ साल्ट है। जिस तरह पहली एग्जांपल को देखें, सी एच थ्री सी डबल ओ एच एसिटिक एसिड और उसका साल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो कि साल्ट है सी एच थ्री सी डबल ओ एन ए सोडियम एसिडेट। ये एक एसिडिक बफर है। एसिडिक बफर्स वो बफर्स होते हैं जो कि कम्बिनेशन है वीक एसिड का और इस वीक एसिड का साल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, और एसिडिक बफर्स की पीएच जो है वो लेस देन 7 होती है। बेसिक बफर्स क्या होते हैं? अब बेसिक बफर इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ वीक बेस एंड इट्स साल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। वो बफर्स होते हैं जो कि कम्बिनेशन है वीक बेस का और इस वीक बेस का साल्ट होगा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, वो बेसिक बफर्स कहलाते हैं। बेसिक बफर्स की पीएच वो मोर देन 7 होती है, 7 से अबव होती है। दैट इज़ वीक बेस एंड साल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। एक इसमें वीक बेस होगी और दूसरा इसके साथ साल्ट होगा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जो कि कंजुगेट एसिड कहलाता है। एसिडिक बफर में जो साल्ट होता है वो कंजुगेट बेस होता है क्योंकि उसके साथ जो वीक एसिड होता है, वीक एसिड और जो साल्ट होगा वो कंजुगेट बेस होगी। और इसी तरह बेसिक बफर में वीक बेस और साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ होगा और जो कि कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा, और इनके पीएच जो है वो मोर देन 7 होती है। एग्जांपल्स क्या हैं? NH4OH और NH4Cl, NH3 NH4Cl और NH3 NH4 2CO3, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। इनकी पीएच जो है मोर देन 7 होती है। जिस तरह पहली एग्जांपल्स हैं NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड और उसके साथ जो साल्ट है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, इनकी पीएच जो है वो 9.25 होती है कि मोर देन 7 है, इसी वजह से ये बेसिक बफर्स हैं। अब हम देखते हैं कि बफर एक्शन और बफर कैपेसिटी क्या होता है।
हमने बफर की डेफिनेशन में पढ़ा कि ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि रेजिस्ट करते हैं पीएच को चेंज होने से, रोकते हैं या रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं पीएच चेंजिंग में। तो अब ये जो रेजिस्टेंस क्रिएट होती है या जो बफर या कंपाउंड्स जो हैं रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं पीएच चेंजिंग में, ये क्या कहलाता है बफर एक्शन। द रेजिस्टेंस ऑफ अ बफर सोल्यूशन टू अ चेंजिंग इन पीएच इज़ नोन एज द बफर एक्शन। कि पीएच के चेंज होने में जो रेजिस्टेंस होती है, कोई भी कंपाउंड जो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है वो बफर एक्शन होता है उसका। बफर कैपेसिटी क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ बफर टू रेजिस्ट द चेंज ऑफ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। कि बफर कंपाउंड की जो एबिलिटी है वो मतलब रेजिस्ट करने की, पीएच चेंज होने को जो रेजिस्ट करती हैं ये एबिलिटी है बफर कैपेसिटी इसको कहते हैं। और जो रेजिस्टेंस क्रिएट होती है, रेजिस्टेंस क्रिएट करने की एबिलिटी जो है वो बफर कैपेसिटी है, और जो रेजिस्टेंस होती है वो बफर एक्शन है। अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बफर्स इन फार्मेसी। फार्मेसी में एप्लीकेशंस क्या हैं? बफर्स आर मोस्ट वाइडली यूज्ड इन बायोलॉजिकल इंडस्ट्री टू प्रिजर्व द पीएच ऑफ द बायोलॉजिकल कंपाउंड्स एंड फ्लूइड्स। तो बायोलॉजिकल इंडस्ट्री में बफर्स का इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ कंपाउंड्स को, फ्लूइड्स की और सोल्यूशंस की पीएच को मेंटेन रखने के लिए, इन फ्लूइड्स को स्टोर करने के लिए या प्रिजर्व करने के लिए, ताकि पीएच मेंटेन रहे और प्रोडक्ट्स जो हैं या फ्लूइड्स जो हैं ये स्टेबल रहें। इन मैनुफैक्चरिंग ऑफ इंजेक्शन एंड अदर डोजेज फॉर्म्स बफर्स आर यूज्ड टू मेंटेन दियर पीएच। के मुख्तलिफ इंजेक्शंस या दूसरी डोजेज फॉर्म जिस तरह ऑप्थेलमिक सॉल्यूशंस होते हैं, ऑइंटमेंट क्रीम्स वगैरह हैं, इनके पीएच को भी मेंटेन रखा जाता है, और इनके मेंटेनेंस के लिए इसमें बफर्स ऐड किए जाते हैं ताकि पीएच की मेंटेनेंस रहेगी। स्पेशली इंजेक्टेबल्स अगर हैं उनकी बात करें तो पीएच जो इंजेक्टेबल्स की है वो अकॉर्डिंग टू ब्लड फ्लूइड्स के, ब्लड के पीएच के इक्वल इसकी पीएच रखी जाती है, और 7.4, और इसको फिर मेंटेन रखना ज़रूरी होता है पेशेंट की कंफर्ट के लिए और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के लिए। बफर्स आर यूज्ड इन फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस में भी बफर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। बफर्स आर यूज्ड इन फर्मेंटेशन प्रोसेस। बफर्स को फर्मेंटेशन प्रोसेस में भी इस्तेमाल किया जाता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर का इस्तेमाल करते हुए अल्कोहल प्रोडक्शन होती है। उनके कार्बोहाइड्रेट से या शुगर से अल्कोहल प्रोड्यूस की जाती है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी इवॉल्व होती है। तो ये प्रोसेस जो है फर्मेंटेशन का प्रोसेस है। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यीस्ट और बैक्टीरिया का यूज़ होता है। इसमें पीएच को मेंटेन रखना लाजमी होता है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर हाई पीएच होगी, मतलब ज़्यादा बेसिक पीएच होगी, तो उसकी एक्टिविटी डिस्टर्ब हो सकती है, और एसिडिक पीएच है तो इस पे भी वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो इसके प्रोसेस के लिए, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोसेस के लिए और बेस्ट फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए पीएच को मेंटेन रखना ज़रूरी होता है। और पीएच जो है वो बफर्स से ही मेंटेन की जाती है। ज़्यादातर इसमें कैल्शियम कार्बोनेट इस्तेमाल किया जाता है पीएच को मेंटेन रखने के लिए। इसके अलावा लेबॉर्ट्री में, फार्मास्यूटिकल लेबॉर्ट्री में बफर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके पीएच मीटर की कैलिब्रेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं बफर्स को। उसको कैलिब्रेट किया जाता है, दो बफर्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, और मुख्तलिफ ड्रग्स के एनालिसिस में भी बफर का, इस बफर सॉल्यूशंस का इस्तेमाल किया जाता है। फूड की प्रिजर्वेशंस में भी बफर यूज़ किए जाते हैं ताकि जो फूड्स हैं उनकी अपेरेंस और उनका टेस्ट जो है ख़राब ना हो, और पीएच जो है उसकी मेंटेन रहे। कुछ ये एग्जांपल्स हैं बफर्स की। यूज़फुल बफर मिक्सचर्स, जिस तरह पहला है HCl सोडियम साइट्रेट, इसकी पीएच जो है 1 to 5 रखी जाती है, एसिडिक बफर है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड बोरेक्स 9.2 to 11 है इसकी पीएच। थर्ड सिट्रिक एसिड एंड सोडियम साइट्रेट, इसकी पीएच 2.5 to 5.6 होती है। और H2CO3 एंड NaCO3, इसकी पीएच जो है 5.4 to 7.4 नॉर्मली होती है। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक यहीं तक ही था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।